नमस्ते। पारासर हीलिंग यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर ब्रह्म सिंह चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान किसी न किसी प्रकार के दर्द को इग्नोर करते हुए जी रहा है। इंसान की यही लापरवाही उसके बीमारी की गंभीरता का कारण बनती है। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड नॉलेज शेयर करूँगा। कंधे की अकड़न या कंधे के दर्द की समस्या को फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। यह बीमारी धीरे धीरे शुरू होती है और आगे चलकर गंभीर रूप धारण कर लेती है। कई लोग कंधे की अकड़न को लेकर मिसगाइड हो जाते हैं और इसको घटिया समझ लेते हैं। घटिया में शरीर के दूसरे जॉइंट में भी दर्द होता है, जबकि कंधे का जो दर्द होता है वो पर्टिकुलरली कंधे से ही रिलेटेड रहता है। आमतौर पर यह समस्या 40 से 60 वर्ष के लोगों के बीच में ज़्यादा देखी जाती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह बीमारी ज़्यादा होती है। फ्रोजन शोल्डर में कंधे के आसपास के टिश्यूज़ और उसके कैप्सूल में सूजन आ जाती है, इसलिए इस बीमारी को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर एक एक्टिविटी लिमिटिंग कंडीशन है। इसमें मरीज को ओवरहेड मूवमेंट करने में यानी कंधे को सर के ऊपर की तरफ ले जाने में दर्द और अकड़न का अनुभव होता है, और साथ ही साथ बैक बॉडी मूवमेंट जिसमें मरीज हाथ को पीछे की तरफ लेके जाता है उसमें भी इसमें मरीज को दर्द रहता है। अब हम फ्रोजन शोल्डर के कारण के बारे में बात करते हैं। ऐसे मरीज जो डायबिटीज़ यानी कि शुगर से पीड़ित हैं उनको फ्रोजन शोल्डर की समस्या सबसे ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। कुछ केसेस में जिनको थायराइड है या फिर जिन्होंने कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी कराई है या फिर किसी के कंधे पे चोट लग गई जिसकी वजह से फ्रैक्चर है और मरीज को कंधे को मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है तो धीरे धीरे करके कंधा जाम होने लगता है और सेकेंडरी वो फ्रोजन शोल्डर में बदल जाता है। अब हम फ्रोजन शोल्डर के लक्षण के बारे में बात करते हैं। फ्रोजन शोल्डर से पीड़ित मरीज को कंधे में दर्द और अकड़न की समस्या रहती है। अगर इसके लक्षण को अपन समझें तो इसको तीन स्टेज के अंदर डिवाइड करके समझ सकते हैं। पहली स्टेज जिसको फ्रीजिंग स्टेज बोलते हैं, इस स्टेज में मरीज सबसे पेनफुल कंडीशन में रहता है। यह स्टेज 6 सप्ताह से शुरू होकर 9 महीने तक रह सकती है। अब हम दूसरी स्टेज के बारे में बात करते हैं। दूसरी स्टेज जिसमें मरीज को दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है बट उसकी स्टिफनेस कंधे में बढ़ती जाती है, यह स्टेज भी 4 महीने से लगा के 6 महीने तक रह सकती है। तीसरी स्टेज जिसको अपन रिकवरी फेज भी बोल सकते हैं, इसमें मरीज का कंधा धीरे धीरे रिकवर होने लगता है, उसका पेन भी कम हो जाता है और उसकी स्टिफनेस भी कम होने लगती है, और इस स्टेज में मरीज 6 महीने से लगा के 3 साल तक रह सकता है। फ्रोजन शोल्डर को आसानी से डायग्नोस किया जा सकता है। फ्रोजन शोल्डर को डायग्नोस करने के लिए मरीज के द्वारा बताए गए सिम्टम को अच्छे से समझना होता है, साथ ही साथ कंधे के मूवमेंट करा के या फिर कंधे की फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा उसकी बीमारी को पता लगाया जा सकता है। अब बात आती है इसके उपचार की। श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथी चैरिटेबल संस्थान में हम इसका उपचार ऑस्टियोपैथी और फिजियोथेरेपी के द्वारा कर रहे हैं। ऑस्टियोपैथी में इसके उपचार के लिए पहले इसकी स्टेज को समझना जरूरी है कि मरीज कौन सी स्टेज में है, फ्रोजन स्टेज में है या फिर फ्रीजिंग स्टेज में, उसके अकॉर्डिंग इसके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ऑस्टियोपैथी में हम इसका उपचार सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेचिंग के द्वारा, साथ ही साथ जॉइंट मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन के द्वारा कर रहे हैं। सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेचिंग टेक्निक में हम लोग इसके कैप्सूल के टाइटनेस को रिलीज़ करते हैं ताकि उस कंधे के मूवमेंट को बढ़ाया जा सके, साथ ही साथ जॉइंट मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन के द्वारा कंधे के दर्द को कम कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जल्दी हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।